दोस्तों मंडी बामोरा में हम आए हैं और सब थ्री फीड जिसको हमने लॉन्च किया है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, एक फार्मर का जेन्युइन फीडबैक है, उसके लिए ही हम यहाँ पर आए हैं कि इनको फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है, ये जानकारी हम भैया से लेंगे, गुर्जर डेयरी फार्म मंडी बामोरा से। तो भैया, ये फीड आपने कब से शुरू किया? 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं भैया से चालू हुए। जी जी, और आपको पहले क्या समस्या थी और अभी क्या फ़ायदा देखते हैं, गोबर में क्या देखते हैं, फार्म में स्मेल, थन के रोग, क्या आपको फ़ायदा मिला है? आप जेन्युइन जानकारी दीजिए। जी, पहली बात तो थनेला में फ़ायदा मिला भैया जी, और जो बीमारियां होती थी छोटी छोटी अफरा से लेके बहुत सी बीमारियां जो जानवरों में आती थी जी, सूजन आना, ये होना, वो होना, सब खत्म हो चुका अभी तक तो जी, और थनेला से बहुत बड़ी मुक्ति मिली हमें जी जी, और कुपच नहीं हो रही जानवरों को, अपच नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी दिक्कत हमें अभी तक देखने नहीं मिल रही है, बढ़िया फायदा हो रहा है और अभी आगे आगे, और मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर ही होते जा रहा हूँ जी, डॉक्टरों का आना जाना कम हो गया है बिल्कुल, और मेरा ध्यान देना कम हो गया क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ इस चीज़ से बिल्कुल। तो और इसमें रिपीट ब्रीडिंग को लेके क्या? रिपीट ब्रीडिंग का मैंने आपको बताई दिया है, बहुत फायदा हो चुका है, पूरी जो नहीं थी वो धीरे धीरे हीट में आ रही हैं, वो गाय नहीं हुई थी, एक एक साल हो गए मेरे यहाँ दूध दे देते, वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया जी। तो मतलब ये महंगा थोड़ा सा फीड है, लगभग मेरे हिसाब से आपको 3600 रुपये में यहाँ आता होगा, आ रहा है, और थोड़ा महंगा ही पड़ता होगा भाड़े के साथ। 3600 रुपये किलो फीड है और इनका लगभग भाड़ा 5000 रुपये लगता है, 60-70 बैग लाने का, तो आप समझिए कि 38-37 तक यहाँ पहुँचता है ये फीड, उसके बाद भी ये इतनी दूर से ला के खिला रहे हैं। और इनके फार्म पे आपको वीडियो मिलेगा बड़ा वाला, उसमें सारी जानकारी दी हुई है, और सारे एनिमल जो एक एक साल से प्रेग्नेंट नहीं हुए थे वो भी हीट में आ रहे हैं। और इस फीड को लाने का हमारा उद्देश्य यही था कि एक अच्छी फार्मिंग हो, स्वस्थ फार्मिंग हो, जैसा कि भैया ने बोला कि मैं अपने फार्म से फ्री हो चुका हूँ, डॉक्टर से फ्री हो चुका हूँ, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है, क्योंकि मेरे अपने फार्म में भी मैं यही फील करता हूँ, मेरे भी यही शब्द हैं। तो अच्छा फीड, मैं ये नहीं कहता कि आप सब फ्री फीड खिलाइए, जो भी फीड खिलाइए यूरिया मुक्त खिलाइए, जानकारी लीजिए प्रोटीन कितना है, अफ्लाटॉक्सिन कितना है, कैल्शियम कितना है, ताकि आगे आने वाले समय में आपके बहुत सारे पैसे बचाए जा सकें। और भैया, इसके साथ आप कुछ देते हैं अलग से? नहीं, कुछ नहीं, जब से ये चालू किया, जब से भैया आपसे बात कर करके हर चीज़ पूछ के सब बंद कर चुके हैं, अलग से कुछ भी नहीं देना, ना नमक, ना गुड़, ना तेल, हम लोगों का रेगुलर था हर हफ्ते वीक में सोमवार के सोमवार हमें तेल ओढ़ देना होता था, अगर ये सब चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। और महंगा कुछ नहीं है भैया, सब दूर डाल के सब हिसाब बना के देख लिया है, उस हर चीज़ से सस्ता ही बैठता है आज के समय में, अगर फीड में देखा जाए तो अपन खिला रहे हैं चार चीज़ें इकट्ठा करके, कभी नमक भी दे रहे हैं, गुड़ भी दे रहे हैं, तो उसमें सही है, परफेक्ट, इस कीमत में बहुत बेहतरीन है। और कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर ये बंद हो चुके भैया, नहीं तो कहने लाला के परेशान हो गए थे हम। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा काम होता था, हज़ारों रुपए के कैल्शियम मिनरल्स, जो हम दावा करते हैं कि इसके इस फीड के साथ कुछ भी नहीं खिलाना है, तो उसके हद तक सही मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं खिलाना है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भैया कुछ किस चीज़ की। अब मैंने वो भैंस बताई थी आपको, वो भी हमारे उसने बच्चे को जन्म दिया जी, 2 घंटे में जेर गिरा के फ्री जी जी। तो दोस्तों, अच्छे फीड का यही फ़ायदा है, अच्छा फीड यूज़ कीजिए और हैप्पी फार्मिंग कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा पैसा बच पाए, अच्छी ब्रीडिंग कर पाए, और डॉक्टर से मुक्त फार्म हम चाहते हैं, जो हमारा विज़न है, हम उसी पे चलना चाहते हैं, तो इस फीड के साथ उसको आप कर सकते हैं। धन्यवाद आपका दोस्तों।